मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह और इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो टीवी की एग्जामिनर ने आपको डेट दे दिया है। मैंने मैसेज भी किया है व्हाट्सएप में भी, ग्रुप में भी, और आप सबको पता होगा, आप थोड़ा सा एक यूट्यूब से भी आपको सूचित कर रहे हैं कि 1 तारीख को 8 बजे आपको अपने सेंटर पर पहुँच जाना है और उनके हिसाब से उसके बाद उनको दूसरी जगह परीक्षा लेनी है, इसलिए आप लोग टाइम से पहुंचेंगे, टाइम से परीक्षा ख़त्म हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 छोटे प्रश्न 2 बड़े प्रश्न मैंने आपको बताए हैं और समझाए भी हैं, और ये ज़रूर आप अपने दिमाग में रखिएगा, कोई नकल वकल की गुंजाइश नहीं, क्योंकि कलर उसमें हम लोग खुद ही टीवी वाले आदमी हैं तो सीसीटीवी में परीक्षा हो रही है, जानते हैं कि तरंग किस तरह से ये जा सकती है। तो इसी पे आपका जो है एक तरह से इंटरव्यू या वाइवा जो भी कह लीजिए, आपसे 1 लाइन 2 लाइन जरूर पूछ सकता है एग्जामिनर कि प्रतिरोध क्या है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाला, डायोड क्या है, एसी को डीसी बनाने वाला, इसको रेक्टिफायर भी कहते हैं, इस प्रक्रिया को रेक्टिफिकेशन कहते हैं, एम्पलीफायर क्या है, तो वही पीएनपी ट्रांजिस्टर जिसमें 3 टांगें होती हैं, आप देखे हुए हैं सर्किट में, और चेक करते हैं मल्टीमीटर से इसको, मल्टीमीटर के कार्य क्या हैं, तो डीसी वोल्ट नापना, एसी वोल्ट नापना, गांव में आपके जो है कई ये हर जो भी बनाता है पंखा वगैरह आप देखे होंगे तो उसके यहाँ मल्टीमीटर उसके हाथ में होगा, सबके पास रहता है, जैसे डॉक्टर के पास आला वैसे मल्टीमीटर, कई तरह का काम करना, तो एसी वोल्ट, डीसी वोल्ट, डीसी करेंट, रेजिस्टेंस, और ये मेजर सब करने में आपका काम आता है, आप जानते हैं। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का है सर, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, पहली कुंडली में धारा दी जाती है, दूसरी में उत्पन्न हो जाती है, और इसी पर हमारा ये कार्य करता है, और ये हमारा 2 तरह का होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप अप आपका जो बढ़ाता है वोल्टेज को, और स्टेप डाउन जो हमारे गांव में लगा हुआ है 440 आग को 220 स्टेप डाउन कर देता है, और फिर हमारे घर में 220 वोल्ट आता है। तो हमारे गांव में लगा हुआ ट्रांसफार्मर जो है आपका स्टेप डाउन है, और ये एसी पे ही काम करता है, डीसी पे नहीं काम करता है, क्योंकि डीसी में आवृत्ति नहीं होती है, साइकिल पर सेकंड 50 हर्ट्ज जो कि 220 वोल्ट के पास होती है एसी में। संधारित्र का क्या काम, संधारित्र जो है हमारा आवेश को संचित करता है और इलेक्ट्रॉन को, और उसके बाद जरूरत पड़ने पर उसे देता है, आप देखते होंगे कि टीवी में कुछ देर बंद करने के बाद भी करंट रहता है, तो वो संधारित्र आवेश को ग्रहण किए रहता है, जब तक नहीं छोड़ता तब तक जो है वो उस पर करंट महसूस होता है। सौर ऊर्जा क्या है, सोलर एनर्जी, आजकल सोलर पैनल का आप जान ही रहे हैं, और यह डायोड से ही बना हुआ है, और जो आपका कई डायोडों को जोड़ के, और ये पीएन संधि कह लीजिए, डायोड को पीएन संधि भी कहते हैं, तो पीएन संधि को जोड़ के कई पीएन संधियों की सीरीज बना के सोलर पैनल बना है, और उससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब होता है कई ट्रांजिस्टर, डायोड, प्रतिरोध और कैपेसिटर को मिला के जिस सर्किट का निर्माण किया जाता है उसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। सिद्धांत में लाउड स्पीकर वही है, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में, एंटीना का काम तरंगों को पकड़ना है, सही तरंग को पकड़ के बूस्टर को देना है ताकि बूस्टर उसको एम्पलीफाई कर सके बढ़िया से, ये सवाल है। और धारा क्या है, तो आवेश के प्रवाह को धारा कहते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, I बराबर जो है I एम्पियर इसका मात्रक है। वोल्टेज क्या है, तो 2 बिंदुओं के बीच का विभव, वही वोल्टेज है आपका विभवांतर जिसे आप कहते हैं, वोल्ट में इसकी इकाई होती है, और ये मल्टीमीटर मेजर भी करता है आपका, और धारा में डीसी धारा को, एसी धारा को नहीं मेजर करता है मल्टीमीटर, ये हमेशा याद रखिएगा। और यही सब क्वेश्चन हैं आपके इंटरव्यू के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लीजिए जो भी पूछेगा, तो इसी के अंदर क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, उसके बाद ही कोई बड़ी चीज़, बड़े क्वेश्चन तो मैंने आपको दे ही दिए, 2 छोटे 2 बड़े एकदम याद रखिएगा, टाइम से पहुँचिएगा 8 बजे जो मैंने आपको टाइम दिया है, और उसके बाद फिर आगे का जैसा होगा, जितनी जल्दी जैसे वहाँ मजिस्ट्रेट खुद ही रहेंगे, अपना काम करेंगे, ख़त्म होगा, क्योंकि उसको दूसरी जगह भी एग्ज़ाम लेना है, तो इसलिए आप लोग समय से पहुँचिएगा, लेट से पहुँचने में प्रैक्टिकल छूटेगा तो फेल भी हो जाएंगे, ये भी साफ साफ, चाहे वो भूगोल का हो या रेडियो टीवी का हो।
मेरे मेरे थैंक्स छात्रों, आज के लिए इतना। मुझे भी मूल्यांकन में कार्य कर रहा हूँ मैं, तो मूल्यांकन में थैंक्स अगेन। 1 तारीख को मिलते हैं सब लोग वहीं पे, 1 मई इतवार दिन है। इतवार दिन से ना घबराइएगा, प्रैक्टिकल मूल्यांकन में इतवार माने नहीं रखता है। मेनी मेनी थैंक्स।